बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं बना रही हूँ मज़ेदार किस्म की दिल्ली बिरयानी। आपने बहुत सी स्टाइल की तो बिरयानियाँ खाई होंगी, लेकिन अब आप दिल्ली बिरयानी बनाकर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ये रेसिपी कामरान खान की है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इससे पहले कि मैं इसको बनाना शुरू करूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर न्यू रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चले आइए हम शुरू करते हैं, अपने मज़ेदार किस्म की दिल्ली बिरयानी बनाते हैं। तो दिल्ली बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बड़ी इलायची हैं, या आप काली इलायची भी कह सकते हैं, और 6-7 हरी इलायची हैं साबुत, 1 टेबल स्पून के करीब पिसा हुआ लहसुन है, 2 कप पानी है, 3/4 कप ऑयल है, 1/2 टीस्पून के करीब जायफल पाउडर है। इसके लिए हमें फ्रेश पिसा हुआ जायफल पाउडर ही चाहिए, और 2 टेबल स्पून के करीब मिल्क है। 1/2 टीस्पून के करीब सेफ्रॉन थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, और इसके अंदर मैं मिल्क को मिक्स कर दूँगी ताकि इसका कलर आ जाए इसके ऊपर। और 12-13 दाने काली मिर्च के हैं, साबुत काली मिर्च यूज़ कर रही हूँ मैं। 1 टेबल स्पून के करीब साबुत ज़ीरा है, 6-7 हरी मिर्चें हैं, 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर है, 3-4 छोटे टुकड़े सिनेमन स्टिक के हैं, दालचीनी के हैं, 4-5 साबुत लौंगे हैं, 2.5 कप के करीब राइस हैं, मैं सैला राइस यूज़ कर रही हूँ, आप कोई से भी बासमती राइस यूज़ कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून के करीब पिसी हुई मिर्चें हैं, 1/4 टीस्पून के करीब मेस पाउडर है, 1 प्याज है दरमियानी साइज़ की जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है, 1 टेबल स्पून के करीब सौंफ है, 1 कप दही है, 1 बादियान का फूल है, 1 टेबल स्पून के करीब जिंजर पेस्ट है, और थोड़ा सा मैं येलो कलर यूज़ करूँगी, आप ऑरेंज कलर भी यूज़ कर सकते हैं, और 1 प्याज हमें अलग से भी चाहिए होगी, 1 किलो चिकन है, आप चिकन की जगह मटन या बीफ वगैरह जो भी आपको यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, 1.5 टेबल स्पून के करीब नमक है, नमक आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले एक पतीली के अंदर चिकन डालेंगे, पानी डालेंगे, और जो हमारे सारे साबुत मसाले हैं वो डालेंगे, लहसुन अदरक हल्दी मिर्चें नमक जायफल जावित्री दालचीनी लौंग काली मिर्च बड़ी इलायची छोटी इलायची 1/2 कप दही डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसको उस वक्त तक पकाएंगे जब इसमें पानी 1 कप रह जाएगा। अब हम दूसरी पतीली के अंदर पानी को उबालेंगे, और इसके अंदर जो हमारे चावल हैं उसको हम 70% तक गला लेंगे। अब ये चावल हमारे 70% तक गल गए हैं, अब मैं चावलों को स्ट्रेन कर लूँगी। अब ये सालन में 1 कप पानी रह गया है, अब इसको मैं आधा निकाल लूँगी। अब एक पैन के अंदर हम ऑयल डालकर प्याज को लाल कर लेंगे। अब सालन को मैंने आधा अलग कर दिया है, और जो ये आधा सालन है इसके ऊपर मैं आधे चावल डालूंगी और इसको लेवल कर लूंगी, और इसके ऊपर जो बचा हुआ सालन है वो डालूंगी। सालन डालकर सालन को भी लेवल कर लूंगी, और इसके ऊपर मज़ीद थोड़े चावल डालूंगी और उनको भी फैला दूंगी उसके ऊपर, और इसके ऊपर दही को फेंट कर इसके ऊपर डाल दूंगी मैं, और जो हमारे थोड़े बचे हुए चावल हैं वो बाकी भी इसमें फैला दूंगी मैं, और इसके ऊपर हरी मिर्चें ज़ाफ़रान मिल्क जर्दे का कलर डालूंगी, और इसके ऊपर जो हमारी प्याज है वो भी लाल हो गई है वो इसके ऊपर मैं डालकर इसको कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दूंगी ताकि हमारे चावल कम्प्लीटली तौर पे गल जाएं। अब ये चावल हमारे गल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम इसको डिश में निकालेंगे और इसको सर्व करेंगे इंशाल्लाह। आपको नज़र आ रहा होगा चावल कैसे अलग अलग हैं माशाल्लाह से। अब इसको मैंने डिश में निकाल लिया है, और हमारी मज़ेदार किस्म की दिल्ली बिरयानी रेडी हो गई है। आप लोग भी इसको बनाइएगा, आप इसको रायता वगैरह अचार या ऐसे भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। मैंने थोड़े से छोटे आलू उबाले हैं क्योंकि मेरे बच्चों को आलू पसंद है, ये ऑप्शनल है, आप उबाल कर और फ्राई करके आलू इसके साथ सजा सकते हैं एज अ डेकोरेशन के तौर पर भी। थैंक यू कामरान खान फॉर गिविंग मी सच अ रियली गुड रेसिपी, माई किड रियली लव्ड इट एंड आई लव्ड इट टू। और अगर आपके पास भी कोई मज़ेदार किस्म की यूनिक सी बिरयानी की कोई रेसिपी है तो आप मुझे मेरे फेसबुक के मैसेंजर पे भेज सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको बनाने की कोशिश करूँगी और आपके नाम के साथ शेयर करूँगी। हम फिर मिलते हैं नेक डिश के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू एवरीवन।